देश के सबसे बड़े भूभाग राजस्थान में जनता की सेहत का अहम जिम्मा और भौगोलिक विशालता के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का चुनौतीपूर्ण दायित्व और इसका निर्वहन कर रहे हैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्रीमान प्रसादी लाल मीणा जी। आपसे आग्रह करते हैं आज के समारोह को कृपया आप संबोधित करें माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे वरिष्ठ साथी शहरी विकास मंत्री आदरणीय धारीवाल जी, महेश जोशी जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी विधायकगण और हमारे विशेष अतिथि आए हुए जिनका कोविड में हमको बराबर स्वास्थ्य विभाग को मार्गदर्शन। आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे वरिष्ठ साथी शहरी विकास मंत्री आदरणीय धारीवाल जी, महेश जोशी जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी विधायकगण और हमारे विशेष अतिथि आए हुए जिनका कोविड में हमको बराबर स्वास्थ्य विभाग को मार्गदर्शन मिलता रहा, डॉक्टर गुलेरिया जी, शिव कुमार सरीन जी, देवी प्रसाद सेठी जी, नरेश त्रिहान जी, वीके पाल जी, मैं इनका हृदय से राजस्थान सरकार की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उपस्थित सभी हमारे मुख्य सचिव महोदया, सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित प्रबुद्धजन, पूरे राजस्थान से आए हुए हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राएं, आज बहुत ही खुशी का दिन है राजस्थान के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी सौगात दी है जिस सौगात की बहुत दिनों से चर्चा थी कि SMS मेडिकल हॉस्पिटल हमारा छोटा पड़ रहा है, बेड नहीं मिलते हैं और बहुत बड़ी समस्याएं हो गई थी। माननीय धारीवाल जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने, डॉक्टर सुधीर भंडारी ने, सब ने मिलकर वित्त का जो प्रबंध किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर धारीवाल जी ने, मैं उनका भी आप सबके सामने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने धन के लिए अपने सोर्स से जो व्यवस्था की, 500-600 करोड़ की करीब ये IPD टावर बनेगा, 24 मंजिल का होगा और इसमें 1200 बेड होंगे और सब तरह की सुविधाएं होगी, सब तरह के बेड होंगे, अतिरिक्त हमको 1200 बेड मिलेंगे और तो और एयर एम्बुलेंस की भी यहाँ पर हेलीपोर्ट होगा ऊपर। अपने आप में देश में पहला इस तरह का ये टावर है, बन रहा है, जो हमारे लिए मुख्यमंत्री जी की सोच का परिणाम है। राजस्थान की जनता के लिए उन्होंने इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर विकसित की। ये सही बात है कि आपने पिछले कार्यकाल में फ्री दवाइयों की शुरुआत की थी और उसके बाद सरकार बदल गई थी, वो काम वही का वही रह गया। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में आपने निश्चित रूप से फ्री दवाइयां, फ्री जांच और गत वर्ष के 21-22 के बजट में आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देकर राजस्थान के लोगों को जो नारा दिया था आपने कि निरोगी राजस्थान देखना चाहता हूँ, हर आदमी निरोगी हो, पूरा प्रदेश मेरा निरोगी हो, उसी को लेकर 5 लाख तक का जो प्रावधान किया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में, उसको बढ़ाकर आपने 10 लाख रुपए कर दिया। और तो और 1 अप्रैल 2022 से मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जो बजट में प्रावधान किया, बजट में भाषण में जो कहा कि सारी IPD OPD सारी फ्री, जितनी भी जांच होगी सारी फ्री, चाहे आपकी CT स्कैन हो, सोनोग्राफी हो, आपका जो भी बड़ी से बड़ी जांच हो, सारी की सारी सरकारी अस्पतालों में फ्री होगी, एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। और उसका पैसा अगर PPP पार्टनरशिप को अगर सरकार अपने खाते से उसको पेमेंट करेगी, इस तरह की सुविधाएं हमको यहाँ पर मिली है, बहुत बड़ी सौगात। और ये टावर, IPD टावर बनने के बाद राजस्थान में बहुत बड़ी, एक तरह से यहाँ पर जो सुविधाएं थी उसका अभाव था, उसकी पूर्ति होगी। माननीय कोविड में हमारे सभी डॉक्टर साहिबान आए हैं, मैंने कई बार देखा है मुख्यमंत्री जी ने 400 से भी ज्यादा VC हेल्थ के समय में की, हर रोज VC
दिन में दो दो बार वीसी, कोविड के समय जो हालात पैदा हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को निरोगी रखा। जब दूस वैक्सीन का सवाल आया, भारत सरकार ने कहा कि हम वैक्सीन फ्री नहीं देंगे, और पूरे देश में ये कहा मुख्यमंत्रियों ने, किसी ने नहीं बोला। अशोक जी गहलोत ने कहा आप फ्री नहीं देंगे, हम पैसा देंगे। हमारा सारे विधायकों का पैसा रोककर 100 करोड़ रुपए का अगर सबसे पहले वैक्सीन कंपनियों को भुगतान किया वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया, चाहे मुझे कितना भी खर्च करना पड़े, पर मेरे प्रदेश के लोगों को वैक्सीन के बिना नहीं रहने दूंगा। आखिरकार भारत सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और वैक्सीन फ्री करना पड़ा, पूरे देश में फ्री करना पड़ा। कोविड में जो प्रबंधन किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, वो राजस्थान में अपने आप में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा राजस्थान का कोविड प्रबंधन बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा प्रबंधन था। भीलवाड़ा मॉडल हमारा पूरे देश में चर्चित हुआ। निश्चित रूप से अभी तीसरी लहर में भी ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा एक वो आया, उसका भी हमने खूबी इंतजाम किया। आज हमारे यहाँ पहली डोज 99% लोगों को लगा चुके, दूसरी वैक्सीन की डोज भी 95% से अधिक लगाए, बच्चों को भी लगा दिया। इसलिए निश्चित रूप से राजस्थान को निरोगी बनाने में आपका जो सहयोग रहा, आज बहुत बड़ी सारी चीजें दवाइयां फ्री, 700 सरकारी अस्पताल, 800 गैर सरकारी अस्पताल इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं। आपको कहीं भी जाएंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो प्रबंध किया हेल्थ का, मेरे ख्याल से अब पहले सोचते थे हॉस्पिटल जाने से पहले मैं भुगतान कहां से करूंगा, पैसा कहां से आएगा। अगर कोई साहूकार पैसा देता था तो हॉस्पिटल की ओर रुख करता था, नहीं तो वो घर पर ही अपनी बीमारी को लेकर बैठा रहता था। आज आवश्यकता नहीं एक पैसे की भी, आपको गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं, एम्बुलेंस 108 पे फोन करो, 104 पे करो, कहीं भी करो, आपको एम्बुलेंस घर से लेकर अस्पताल लाएगी। ये प्रबंधन राजस्थान का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, निश्चित रूप से हमारे लिए ये आईपीडी टावर बनेगा, इसके बाद राजस्थान में बहुत अच्छा काम होगा। मैं कहूंगा जब दूसरी लहर आई, सुधीर भंडारी जी हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इनकी ये सोच थी, हमारे आरईएसएच में 1200 बेड भी हमारे कम पड़ गए। निश्चित रूप से लोगों को बिना बेड भी रखना पड़ा, उसी का नतीजा है सुधीर भंडारी जी की सोच, धारीवाल जी की सोच, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश, उसके बाद इस आईपीडी टावर को बनाने का फैसला सरकार ने किया। निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस तरह का दिया। आईपीडी टावर में मेडिकोज मेमोरियल बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा कर्मियों के परिवारों के दर्द को समझा, कोविड रोगियों की सेवा करते जो अपनी जान गंवा गए, उनकी मेमोरियल में भी इसमें एक वो सभागार बनेगा, जहां से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इसमें हमारे जो कोविड के जो हमारे काम सेवा करते हुए जिन्होंने अपनी जान लगा दी, उनका भी एक निश्चित रूप से यादगार में सभागार बनेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे सभी विभाग के अधिकारियों का और धारीवाल जी का, निःशुल्क जांच सारी चीजें जो दी है उसको विधिवत, कई लोग ये कहते थे मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं कर दी लागू कैसी होगी, ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जो कहा 1 अप्रैल से लागू है, 1 अप्रैल से सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा, वो मिलनी सुविधाएं शुरू हो गई। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का, कि मुख्यमंत्री जी ने जो निरोगी राजस्थान का नारा दिया वो निश्चित रूप से निरोगी राजस्थान रहेगा। और जिस तरह की सुविधाएं हृदय हार्ट ट्रांसप्लांट का भी इसमें साथ साथ बनेगा, सारी सुविधाएं होगी। निश्चित रूप से जो हम नवाचार कर रहे हैं, आम आदमी को किसी भी बीमारी के लिए हमारे राजस्थान से बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे यहाँ पर 10-15 हजार का एमएसएमएस में ओपीडी रोज का है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता की बात थी। ये ओपीडी आईपीडी टावर बनने के बाद निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को राहत मिलेगी। मैं सभी, और दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा था, एक बार हम वीसी से जुड़े हुए थे, हमारे देवी प्रसाद जी सेठी जो हमारे अतिथि है, उन्होंने कहा था आपके मेडिकल कॉलेज कम है, नर्सिंग में कॉलेज कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर दी, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा कर दी जो इसी साल से शुरू हो जाएगा। ये निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर्स की जो कमी है, नर्सिंग कर्मियों की जो कमी है, हर जिले में नर्सिंग होगा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, तो निश्चित रूप से राजस्थान के भाई बहनों को इसमें निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी। आप सबका मैं हृदय से, आप सब लोग पधारे, आपने सबने यहाँ पर इसमें शिरकत की, मैं आपका हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर हमारे जो डॉक्टर अतिथि महानुभाव आए बाहर से अपना समय निकालकर, उनको बहुत उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वीसी में जो हमारे साथ सुझाव दिए
मुख्यमंत्री जी ने सबको लागू किया, आपके जो सुझाव आज भी आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबको लागू करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।